महाभारत का एक प्रसंग है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया और भोजन के लिए विदुर के घर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने के पीछे जो कारण उन्होंने बताए, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मधु सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देंगे आपको जानकारी कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर के घर साग क्यों खाया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। महाभारत का एक प्रसंग है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लगभग तय हो चुका था। युद्ध की तैयारियां चल रही थी। उस समय श्री कृष्ण भगवान पांडवों की ओर से दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे, ताकि इस भयंकर युद्ध को किसी भी तरह से टाला जा सके। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को यह युद्ध ना करने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया और कहा कि युद्ध दोनों ही पक्षों के लिए सही नहीं है, इसलिए इस युद्ध को टाल देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना और इसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने महल में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भगवान ने दुर्योधन का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। इस बात से दुर्योधन को बहुत आश्चर्य हुआ। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि वह शांति दूत बनकर आए हैं। दूत का धर्म है कि जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए तब तक राजा के यहाँ भोजन नहीं खा सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के तीन कारण होते हैं, भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है जिसके वशीभूत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, और तुम्हारा प्रभाव भी ऐसा नहीं है कि जिससे भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, और मुझे ऐसा अभाव भी नहीं है जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किए जाए। और इसके बाद भगवान ने वहाँ से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने खाना खाया। महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पारसम्वी था। पारसम्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था। विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ आदर्श भगवत भक्त भी थे। उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सदैव नाराज ही रहा करता था और समय असमय उनकी निंदा करता था। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अपने अनन्य प्रेम के कारण विदुर दुर्योधन द्वारा किए जाते अपमान को सहज स्वीकार कर लेते थे। विदुर का रहन सहन एक संत की ही तरह था। श्री कृष्ण में उनकी अनुपम प्रीति थी। उनकी धर्म पत्नी पारसम्वी भी एक परम साध्वी थी। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन ने उनके संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन आदि करने को कहा। तभी दुर्योधन के मन में विचार आया कि भगवान मेरे घर तब आए जब कोई ना देखे। दुर्योधन के मन में अहंकार था कि मैं इतना बड़ा राजा, उनकी आगवानी करूँगा तो प्रजा के सामने मेरा मान कम हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के मनोभाव को समझ गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पर पहुँचे, उस समय महात्मा विदुर घर पर नहीं थे और पारसम्वी स्नान कर रही थी। द्वार से ही श्री कृष्ण ने आवाज़ दी, द्वार खोलो।
मैं श्री कृष्ण हूँ और मैं भूखा भी हूँ। पारण संवी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी तो भाव के वशभूत तुरंत वैसी ही स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गई। उनकी अवस्था को देख श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर पारण संवी पर डाल दिया। प्रेम दीवानी पारण संवी को अपने तन की भी सुध नहीं थी और वो नग्न अवस्था में ही द्वार पर आ गई थी। उसका ध्यान तो सिर्फ इस पर था कि द्वार श्री कृष्ण हैं और भूखे हैं। पारण संवी श्री कृष्ण को हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए ले आई और श्री कृष्ण की सुधा शांत करने के लिए उन्हें क्या खिलाए यही उसके मस्तिष्क में था। इसी प्रेम उन्मत्त स्थिति में उसने श्री कृष्ण को उल्टे पीढ़े पर बिठा दिया। दौड़कर पारण स्वामी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले ले आई और श्री कृष्ण के प्रेम भाव में वह इतनी मगन थी कि उन्हें केले छील छील कर खिलाने लगी और केले तो नीचे फेंक देती और छिलके श्री कृष्ण को दिए जा रही थी। श्री कृष्ण भी पारण स्वामी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत हो केले के छिलके खाने का आनंद ले रहे थे और उसी समय महात्मा विदुर वहां आ गए और वे कुछ देर तो अचंभित खड़े होकर देखते रहे। फिर उन्होंने पारण स्वामी को डांटा। तब उसे ध्यान आया और वह पश्चाताप करने के साथ साथ ही अपनी मन की सरलता से भगवान श्री कृष्ण पर ही नाराज होकर उन्हें उल्हाना देने लगी। छिलका दिन है शाम कह भूली तन मन ज्ञान, खाए पे के आपने भूली गए क्यों भान। भगवान श्री कृष्ण इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा कि विदुर जी आप बड़े बेसमय आए, मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ और विदुर जी भगवान को केले खिलाने लगे। भगवान ने कहा विदुर जी आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए पर ना मालूम क्यों इसमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। और ये सुनकर विदुर की पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी क्योंकि वो समझ गई थी कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।